नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस पर। 1 नवंबर से शुरू होगी एमएसपी पर खरीद। अमरूद की खेती पर मिल रही 60% की सब्सिडी। फसल के नुकसान होने पर 30 दिन में मिलेगा मुआवजा। और किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद की जाएगी, जबकि 1 नवंबर से मूंगफली को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। अपनी उपज को एमएसपी पर बेचने के लिए किसानों को पंजीयन करना होगा। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट ई मित्र या फिर खरीदी केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इस दौरान किसानों को जन आधार कार्ड, नवंबर खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि इस साल प्रदेश में 319 केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदारी की जाएगी, जबकि मूंग के लिए 150, उड़द के लिए 60, मूंगफली के लिए 72, सोयाबीन के लिए 37 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। बिहार सरकार प्रदेश में अमरूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए अमरूद की खेती करने वाले किसान को 60% अनुदान दे रही है। सरकार ने अमरूद की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए की लागत तय की है। इस पर किसानों को 60,000 तक का अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए बागवानी निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पहले सूखा, फिर बाढ़ और उसके बाद बेमौसम बारिश ने जमकर उत्तर भारत में कहर बरपाया है। इससे किसानों की अत्यधिक फसलें खराब हो गई हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार किसानों को 30 दिन के भीतर फसल नुकसान पर मुआवजा देगी। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर नुकसान की भरपाई 15 दिनों के भीतर की जाएगी। बता दें कि इसके लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराना होगा और नुकसान के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने भूमि विकास बैंक से किसानों के द्वारा 964.15 करोड़ के कर्ज को माफ करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क के कोष के लिए निधि प्रदान करेगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वसहायता समूह गठित करने की मंजूरी दी। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।